काले कांटे की बच्ची कीमत 21 लाख और पिता की कीमत थी 7.5 करोड़। और इस समय देख सकते हैं कि अपने मालिक के साथ, और देख सकते हैं उनका जो एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता, वो भी इस समय सड़क पर, और ये घोड़ी शानदार आपको नज़र आती हुई। मालिक से भी बात करेंगे, क्या ख़ास बात है। बताया जा रहा है पिता की कीमत 7.5 करोड़ थी और इस बेटी की, इस घोड़ी की कीमत कहें तो 21 लाख रुपए। मालिक है और साथ में उनका जो कुत्ता है, डॉगी है, जो पालतू कुत्ता है, वो भी साथ में है। उनसे बातचीत कीजिएगा, क्या क्या ख़ास बात है बताइएगा, क्या ख़ास बात है और आज सड़कों पर जो है आप आए हैं। ये जी बहुत बढ़िया बच्ची है, काले कांटे की बच्ची है, ठीक है जी। और ऐसी बच्ची देखो, इसके जो कान है उसमें हार्ट बनता है, दिल बनता है। अच्छा जी। और इसके शकीन कान है और चारे टांगे इसकी सफ़ेद हैं और मुँह सफ़ेद है। अब ये जो भी बच्चे देगी, वाइट देगी बच्चे ये। और इसके बाप का जो सिस्टम है जी, वो बहुत बड़ा, 7.5 करोड़ लगे थे काले कांटे के, उसकी बच्ची है ये जी। तो जी। आपका शौक कहाँ से पैदा हुआ, कब लेकर के आए? बस मुझे तो, अब मैं छोटी सी लाया था 1 महीने की। अच्छा। अब 22 महीने हो गए जी, 22 महीने की होगी ये। अच्छा। हाँ जी, अभी तो बच्ची, हाँ जी अभी बच्ची तो है। इसके बिल्कुल जो बच्चे होंगे बिल्कुल वाइट होंगे, वाइट वाइट बिल्कुल वाइट होंगे, प्योर वाइट। इसके चारे टांगे सफेद, मुंह सफेद। अच्छा। और ये देखो इसका कलर बहुत बढ़िया है। की कीमत है उस समय कितनी हो जाएगी? ये तो बहुमूल्य हो जाएगी। बहुमूल्य? हाँ। अच्छा, अंदाजन फिर भी कोई पता ही नहीं, कोई शौक की बात है, कोई क्या पता क्या लगा दे। पिता की कीमत आप कितनी बता रहे थे? 7.5 करोड़। काला काटा है, उसकी बच्ची है ये। उसकी बच्ची है, बिल्कुल सेम उसका मुंह है, उसका सारा अपने बाप पे गई है। आप कितने के लेकर के आए थे? मैं तो उस टाइम ठीक लेके आया था। अच्छा। हाँ जी, 2.25 लाख। आज कितने लग चुके हैं? आज 21 लगाते थे, मैंने दी नहीं। अच्छा, 21 लाख रुपए लग गए? हाँ, 21 लाख लग गए, मैंने नहीं दी। और देखिए कितनी शानदार, ये बिल्कुल रेशम जैसे जो बाल है, वो बिल्कुल रेशम के जैसे बाल, कितनी शानदार। और देखिए ये बताया जा रहा है घोड़ी के इसके जो बाल हैं वो कितने, और बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी जो फीडबैक है वो आपको नज़र आती हुई, और कितनी शानदार ये लग रही है। और बताना ये चाहूँगा कि जब भी ये बच्चे देगी, बिल्कुल वाइट इसके बच्चे होंगे, जिनका जो बिल्कुल अनमोल होगी। काले कांटे की बच्ची, पिता की कीमत 7.5 करोड़ और इस घोड़ी की कीमत है 21 लाख रुपए। तो कहाँ से शौक पैदा हुआ, क्या ये जो पाकिस्तान से हमें ज़मीनें लाट हुई थी जी जी, तो उस टाइम एक घोड़ी पे 1 मरबा ज़मीन मिलती थी उस टाइम। अच्छा जी। ये हमारी जो विर्क फैमिली है, ये इनकी बदौलत आज रोटी खा रही है। अच्छा जी। हाँ, ठीक ठीक। ये क्योंकि उस टाइम जब हमारे बुजुर्गों को घोड़ी रखने का शौक था, तो बीच में गैप आ गया, जब पाकिस्तान से हमारे गैप आ गया उसमें, तो फिर अब ये दोबारा शौक आ गया मन में, क्योंकि इन चीज़ों की हम रोटी खा रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुमूल्य, इनका तो कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो ऐसी चीज़ें हैं, ये तो रतन है, वो भी जो बंदा इसको संभाल करता है, केयर करता है, तो उसके लिए तो ये सब कुछ है। बस क्या बताऊँ अब आपको। और देखिए अपने मालिक के साथ कितनी शानदार ये घोड़ी, नाम क्या है इसका? बीरा। बीरा बीरा। अच्छा। और देखिए कितनी शानदार ये लग रही है। जब तो घुड़सवारी भी करते हैं क्या? नहीं, अभी तो बच्ची है ना। अच्छा। अभी नहीं, अभी कितने तो समय के बाद शुरू हो जाएगी ये? लगभग 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। अब 22 महीने की होगी। और कितने महीनों के बाद जो है ब्याएगी है? ये ब्याएगी 3.5 साल के बाद बराएंगे इसको। अच्छा। उसके बाद 12 महीने लेती है ये। हाँ, दिखाना इसकी चाल एक बार। और देखिए किस तरीके से इसकी चाल, कितनी शानदार ये घोड़ी, और अभी चलेगी मटक मटक के। और ये देखिएगा बड़े ही प्यारी ये जैसी लगती है, और आज असंध की सड़कों पर आपको जो है नज़र आती हुई अपने मालिक के साथ। और चिन्ना साहब का एक ज़बरदस्त शौक है, और समझती है इशारा, क्योंकि ये जो पालतू घोड़े और घोड़ियाँ हैं बहुत समझदार होते हैं। इस प्रकार से डोगी होता है, उसी तरीके से है, अपने मालिक का हर इशारा समझते हैं। काले कांटे की ये बच्ची आज आपको यहाँ नज़र आती है। थोड़ी सी चाल दिखा दीजिएगा, ये ज़बरदस्त। मेरी बाइक पीछे रहेगी ना? नहीं, ले अभी की
और बाइक की वजह से इस तरीके से ये घोड़े की जो चाल है वो मटक मटक के यहाँ चलते हुए अपने मालिक के साथ असंध की सड़कों पर आपको लगता होगा। और ये देखिए, बाल देखें रेशम के जैसे और चाल देखें बिल्कुल हिरनी के जैसे, बहुत ही ज़बरदस्त। 21 लाख रुपए इसकी कीमत, पिता की कीमत थी 7.5 करोड़। और बखूबी तरीके से जो है यहाँ आज असंध की सड़कों पर अपने जलवे बिखेरती हुई बीरा नाम है इसका, बीरा आज असंध की सड़कों पर मटक मटक के शर्माती हुई जो है चलती हुई। बने रहिए, जुड़े रहिए, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और असंध की शान है आज बीरा। और कब निकालते हैं बाहर ये? मैं शाम को निकालता हूँ। डेली। अच्छा, राउंड लगाते हैं? हाँ, राउंड लगाते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसको ना घुमाना होता है, 5-4 किलोमीटर घुमाना होता है डेली। हाँ, ठीक ठीक। तो ये साथ आती, मेरे साथ जाती है। वाह जी वाह। हाँ, हरी सारा समझती है। हाँ बिल्कुल। और देखिए किस प्रकार से अपने मालिक का जो है इशारा ये समझती हुई। बने रहें, जुड़े रहें। देखिए अपने बिल्कुल किस तरीके से अपने मालिक की ओर इशारा करते हुए आँख से आँख मिलाती हुई। और चिन्ना साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार का सदस्य होता शिमला चिन्ना साहब? ये अपने परिवार के सदस्य है। इससे बंदे की जो सोच है ना जी, घोड़ी रखने से बंदे की सोच पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं आती बंदे के मन में। घोड़ी का एक ये भी फायदा है, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। और बहुत ही सुंदर बीरा अपने मालिक के साथ आज असंध की सड़कों पर अपने हुसन के जलवे जो है बिखेरती हुई। देखिए रेशम जैसे बाल और हिरनी के जैसी चाल आज आपको असंध की सड़कों पर बीरा जो है नज़र आती हुई। बने रहें और जुड़े रहें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वो जो आपका डॉगी है, हाँ, उसका नाम क्या है? कालू पूरा। अच्छा अच्छा, इसका नाम क्या है जी? कालू। अच्छा, ये भी वहीं रहता है जी? ये इसको घुमाने आता है। अच्छा। हाँ, डेली आता है। जैसे को कुत्ता कत्ता रस्ते में पड़ जाए ना जी, इसकी सेफ्टी करता है। वेरी गुड। अब ये मेरे साथ जाएगा। खाती क्या 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 खिलाते हैं इसको? फिलहाल तो जैसे चने हैं, चोकर है जी, जो मर्जी खिला दो। ये तो आदमी की तरह जो चीज चाहो खिला सकते हो। बिल्कुल। मगर इसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए इसको चने ही ज्यादा चाहिए। बड़ी रफ्तार हो जाती है। तो वीरा को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं। फिर ये सील है दिलबाग जी, ये बिल्कुल सील है, जहाँ मर्जी इसके नीचे हाथ लगा लो। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं इसको। इसका मुंह चूम लो, जो मर्जी कर लो। ठंडी है बिल्कुल। बिल्कुल। ये कुछ नहीं बोलेगी आप। वाह जी वाह, पूंछ जबरदस्त, बढ़िया जी, बहुत ठंडी। बीरा आज असंध की सड़कों पर अपने मालिक के साथ जलवे बिखेरती हुई। बने रहे, जुड़ रहे, तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।